हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी मोशन इन अ प्लेन। द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय वाई इक्वल टू 2x - 9x² इफ इट वर लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा नॉट विद स्पीड वी नॉट देन। जी की वैल्यू दे रखी है आपको 10 m/s² और ये चार चॉइस दे रखी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन है हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लें कि एक ये ग्राउंड है और यहाँ से एक पार्टिकल को इनिशियली लॉन्च कर रहे हैं वी नॉट से, और कितना एंगल से, थीटा नॉट से, ऐसे। इसको हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी। और इसके ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन रखी है आपको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल वाई इक्वल टू 2x - 9x² ये गिवेन है। लेकिन हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसकी कंपेयरिंग कर दें वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा, टेन थीटा लिखते थे, लेकिन यहाँ इनिशियल एंगल जो है आपका थीटा नॉट दे रखा है, इसलिए टेन थीटा नॉट कर लेते हैं, माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन टू यू स्क्वेयर होता है, लेकिन यहाँ यू की जगह पे आपको वी नॉट गिवेन है, इसलिए टू वी नॉट कर देता हूँ, कॉस स्क्वेयर थीटा नॉट। ये इससे अगर हम कंपेयरिंग करें तो इसमें एक्स यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स को छोड़कर जो कुछ भी है वो इसमें टेन थीटा नॉट है और उसमें टू है, एक कंपेयरिंग। एंड यहाँ पर देखें तो यहाँ एक्स स्क्वेयर है और यहाँ भी एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ अगर कंपेयरिंग करें एंड जी ओवर टू वी नॉट का स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा नॉट इक्वल टू 9, ये हमने कंपेयरिंग कर ली। ठीक, यहाँ एक्स के साथ टेन थीटा नॉट है और यहाँ एक्स के साथ टू है, इसलिए इक्वल कर दिया, यहाँ एक्स स्क्वेयर को छोड़कर ये वाली पूरी वैल्यू 9 के बराबर है। अब यहां से हमें टेन थीटा निकल रहा है लेकिन हमें चाहिए साइन थीटा नॉट, तो हम क्या करें, टेन थीटा नॉट को 2 को बाई 1, परपेंडुलर बटे बेस होता है, तो परपेंडुलर तो हो गया आपका 2x और बेस हो गया x, और हाइपोटेनियस निकालने रूट के अंदर 4x² + x² दैट मीन्स 5 रूड और एक्स, ये हमने निकाल लिया यहाँ से। इसके बाद हम साइन थीटा नॉट निकाल सकते हैं यहाँ से, परपेंडुलर बटे हाइपोटेनियस, परपेंडुलर तो आपका 2x है और हाइपोटेनियस एक्स रूड 5 है, इसे कट गया, इसलिए थीटा नॉट लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स 2/√5। एंड ऐसे ही कॉस थीटा नॉट निकालें, बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस एक्स है और हाइपोटेनियस x√5 है, से कट गया। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, यहां से इसको देखें तो कॉस थीटा नॉट जो आया आपका, कॉस थीटा नॉट ये आया आपका 1/√5, इसलिए यहां से थीटा नॉट आ गया कॉस इनवर्स 1/√5। इसीलिए या तो आपकी चॉइस ये वाली बनेगी या ये वाली बनेगी। ठीक, देखो इसमें अगर देख रहे हैं तो साइन के साथ तो आपका ये वाली बन रही है और कॉस के साथ ये वाली बन रही है ना। देखो साइन के साथ तो आ रही है 2√5 और कॉस के साथ आ रही है 1/√5, इसीलिए ये दो चॉइस तो पक्की गलत हो गई। ठीक, अब बची ये दोनों, वी नॉट और निकालेंगे तब मालूम पड़ेगा कि कौन सी चॉइस करेक्ट है। अगर हम वी नॉट की तरफ चलें तो मैं इक्वेशन नंबर 2 से देखूं, फ्रॉम इक्वेशन 2, जी ओवर 2v0² कॉस स्क्वेयर थीटा नॉट इक्वल टू 9। जी की वैल्यू 10 रखिए, 2v0² निकालना है और कॉस थीटा नॉट, कॉस थीटा नॉट की वैल्यू है 1/√5, तो कॉस थीटा नॉट की वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगर हम पीछे पुट कर दें, यहाँ हमारे पास जो है कॉस थीटा नॉट 1/√5 है,
अगर ये यहाँ पुट कर दें हम तो 1/5 आ जाएगा, इजिकल टू 9। ठीक, अब देखो 2 से ये कट गया आपका 5 बार, तो ये 25 हो गया, 25 इजिकल टू 9 v0 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम देखें तो v0 इजिकल टू 25/9 स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा 5/3, तो v0 इजिकल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया। इसीलिए 5/3 आ रहा है, इसीलिए इसकी चॉइस ये भी नहीं हो सकती, सी इज अ करेक्ट चॉइस, क्योंकि हमारा v0 आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड, और कॉस इनवर्स जो है v0 5/3 है, तो कॉस इनवर्स की वैल्यू हमारे पास 1/√5 है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।